You want to crack AIABGET examination, but do you know what is the biggest hurdle? It is the distractions. The distractions can come in any form. पर सभी टाइम स्कैवेंजर्स होते हैं. चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम वेस्ट करते हो, किसी से बहुत ज्यादा देर बात करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सभी आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं. और ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी पढ़ाई का लगभग 40-50% टाइम खा जाते हैं. तो अगर आपको ये प्रॉब्लम लगती है कि आप भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो आपको कुछ सॉल्यूशंस हम यहाँ पे दे रहे हैं कि किस मैकेनिज्म से आप उन डिस्ट्रैक्शंस के साथ डील कर सकते हो. सो स्टेप नंबर वन, रिफ्लेक्ट फॉर वन मिनट एंड आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन. हर किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन अलग अलग हो सकती है. राइट ऑन अ पेपर कि आप अपने शेड्यूल में कौन से टाइम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं और वो डिस्ट्रैक्शन आपके लिए क्या है. एक बार आपने उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको सुधारना बहुत आसान होता है. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड वेयर आर यू वेस्टिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन विच प्लेटफॉर्म एट वट पर्टिकुलर टाइमिंग्स, देन यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई इट. स्टेप नंबर टू इज सेट योर सेल्फ अप. आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ है, तो अब हमें उसी का सॉल्यूशन करना है. आपको एक हफ्ते का शेड्यूल अपना मालूम होना चाहिए कि इस समय पे इतने दिन में मुझे ये सब चीजें कवर करनी है और कितने टाइम स्लॉट में मैं क्या कवर करूंगा. तो जब भी आप उस समय पे कभी डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, भले ही आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, बट अंदर से एक गिल्ट फीलिंग आपको आएगी कि इस समय पे मुझे ये चीजें कवर करनी थी. बट अगर आपका पहले से ही कोई शेड्यूल नहीं है तो फिर आप किसी भी रैंडम चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो. तो इसीलिए सेट योर सेल्फ अप विद अ वेरी गुड एंड बेसिक शेड्यूल जो कि आप फॉलो कर पाओ. द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैकल्टी ऑफ माइंड जिसको जो डिटरमाइन करती है आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्शंस, दैट इज विल पावर. आपको अपनी विल पावर को और स्ट्रांग बनाना है. और ये विल पावर स्ट्रांग करने के लिए हम क्या करते हैं, विल पावर स्ट्रांग बनाने के लिए आपको एक बेसिक रूटीन फॉलो करना है. जैसे अगर आप एक अपना स्पेसिफिक टाइम रख रहे हो उठने का, अगर आप 6 बजे भी उठते हो, 5 बजे भी उठते हो, तो वो 5 बजे ही उठना है, उसको 5:10 या 5:15 भी नहीं करना. और जैसे जैसे आपके अंदर ये डिसिप्लिन डेवलप होगा, आपकी विल पावर अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी. तो ये 3 स्टेप है एंड इन दिस वे यू कैन बीट योर डिस्ट्रैक्शन. एंड लेट्स बीट द डिस्ट्रैक्शन बिफोर इट बीट्स यू.